बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आरएएस महेंद्र प्रताप सिंह को बड़ी जिम्मेदारी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अतिरिक्त निजी सचिव बने महेंद्र प्रताप। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 2011 बैच के आरएएस महेंद्र प्रताप काबिल ऑफिसर, आरबीपी एनएल सचिव, परिवहन उपायुक्त समेत कई प्रमुख पदों पर सेवाएं दे चुके हैं महेंद्र प्रताप। हाल ही में गठित स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल में उन्हें बनाया गया था सचिव, साथ ही चिकित्सा विभाग में निदेशक अराजपत्रित का भी संभाल रहे अतिरिक्त जिम्मा। बाड़मेर निवासी महेंद्र प्रताप सिंह राजस्थान प्रशासनिक सेवा के एकमात्र ऐसे अधिकारी जो टेरिटोरियल आर्मी में बतौर लेफ्टिनेंट के पद पर चयनित होकर दे रही अपनी सेवाएं, साथ ही आईआईएम अहमदाबाद के भी एकमात्र एलुमिनाई हैं। आरएएस महेंद्र प्रताप सिंह, केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय की सिफारिश पर कार्मिक विभाग ने महेंद्र को रिलीव कर दिया। और इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जुड़ गए हैं। ऋतुराज, ट्यूनिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है, अगर सामंजस्य बन जाए ब्यूरोक्रेसी और मिनिस्टर में तो काम बड़ा स्मूथ होता है, क्या यही वजह की इनको चुना गया है? देखिए बिजन, बिल्कुल सही कहा आपने, ट्यूनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। और चूंकि इनको जो काम करने का अनुभव है, क्योंकि ये पूर्व में गजेंद्र सिंह जब मंत्री थे पूर्व की सरकार में, तब भी उनके निजी सचिव के रूप में इन्होंने काम किया हुआ है। इसके साथ साथ ही उनको अन्य अन्य जो विभाग हैं उनमें काम करने का अनुभव है, तो मेडिकल कॉरपोरेशन में रजिस्ट्रार हो या अन्य तमाम जगहों पर काम करने का अनुभव, साथ ही साथ जो आपने कहा ट्यूनिंग और एक मंत्री के पूरे प्रशासकीय काम किस तरह से होता है उसका पूरा अनुभव होने के चलते ये जिम्मेदारी दी है। 2011 बैच के अधिकारी हैं, ये पहले आरएएस हैं जो टेरिटोरियल आर्मी में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा उनका कद इससे बढ़ेगा। और जो केंद्र में एक बार सेवा देने के बाद अनुभव का दायरा बढ़ेगा, जिसके चलते अन्य अहम पदों पर भी नियुक्ति संभव है। क्योंकि हमने देखा कि पहले धीरज श्रीवास्तव, उन्होंने हालांकि रिटायरमेंट के बाद सेवाएं दी थी और उसके बाद राजस्थान फाउंडेशन में आए थे, लेकिन जगह जगह जब केंद्र में सेवाएं दी उन्होंने, तो उनका जो अनुभव का दायरा है वो काफी बड़ा और उनका काफी कद बढ़ा इसकी वजह से। तो यही बात यहीं पर इन पर लागू होती है और निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा अचीवमेंट कह सकते हैं, क्योंकि केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जाना और तुरंत रिलीविंग आदेश भी जारी हो गए हैं। बिल्कुल डॉक्टर, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ।